जाने सिग्नल मैसेजिंग ऐप क्या है और आप कैसे करें इस ऐप का यूज। तो हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। सिग्नल मैसेजिंग ऐप के बारे में वो जानकारी जो आप नहीं जानते हैं, जानिए यहाँ। व्हाट्सएप के को फाउंडर ब्रियन एक्टन ने व्हाट्सएप को छोड़ने के बाद सिग्नल मैसेजिंग ऐप में 2017 में करीब $50 बिलियन का इन्वेस्ट किया था। इससे पहले ब्रियन एक्टन ने 2014 में सिग्नल फाउंडेशन की स्थापना की जो कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DK2 न्यूज में, नई दिल्ली। इन दिनों पूरी दुनिया में सिग्नल मैसेजिंग ऐप का जोर शोर मचा रहा है। इसके पीछे व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव की बड़ी वजह रही है जो कि पूरी दुनिया में 8 फरवरी से लागू होने जा रही है। दरअसल व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को जो यूजर स्वीकार नहीं करेंगे उनका व्हाट्सएप अकाउंट अपने आप बंद कर दिया जाएगा। वहीं इस प्राइवेसी पॉलिसी ने यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि व्हाट्सएप ने अपने डेटा फेसबुक के साथ साझा करने की बात कही है। ऐसे में लोगों ने व्हाट्सएप के ऑप्शन के तौर पर सिग्नल मैसेजिंग ऐप को चुनना पसंद किया है क्योंकि यह ऐप व्हाट्सएप सहित दूसरे ऐप की तुलना में ज्यादा सुरक्षित बताया जा रहा है। आइए जानते हैं सिग्नल मैसेजिंग ऐप के बारे में वह सभी बातें जो आपको नहीं पता। व्हाट्सएप के को फाउंडर ने सिग्नल में किया इन्वेस्ट। व्हाट्सएप के को फाउंडर ब्रियन एक्टन ने व्हाट्सएप को छोड़ने के बाद सिग्नल मैसेजिंग ऐप में 2017 में करीब $50 बिलियन का इन्वेस्ट किया था। इससे पहले ब्रियन एक्टन ने 2014 में सिग्नल फाउंडेशन की स्थापना की जो कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। एलन मस्क ने किया ट्वीट। टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ट्वीट करके अपने फॉलोअर को सिग्नल ऐप यूज करने की सलाह दी थी। मस्क के इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। 2.7 लाख से ज्यादा या लोग इस ट्वीट को लाइक कर चुके हैं और 32,000 से ज्यादा रीट्वीट कर चुके हैं। सर्वर पर स्टोर नहीं होता है डाटा। सिग्नल ऐप का दावा है कि आपकी चैटिंग का एक हिस्सा भी सर्वर पर स्टोर नहीं किया जाता है। आपकी चैटिंग हिस्ट्री आपके फोन में ही रहती है और यदि आपका फोन खो जाता है या खराब हो जाता है आपकी चैटिंग हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। सिग्नल ऐप की सबसे बेहतरीन बातें, सिग्नल ऐप के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वह किसी भी कंपनी के साथ आपका डाटा शेयर नहीं करता है। इसका जिक्र कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी में नहीं किया गया है। आपकी पहचान नहीं करता है उजागर। एप्पल के ऐप स्टोर पर सिग्नल ऐप के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक ऐप यूजर्स से मोबाइल नंबर के अलावा कोई भी जानकारी नहीं ली जाती है और इस मोबाइल नंबर से वह आपकी पहचान को उजागर नहीं करने का दावा करता है। सिग्नल ऐप ने भारत, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, हांगकांग, स्विट्जरलैंड में व्हाट्सएप को पीछे छोड़ दिया है और टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। इसके अलावा जर्मनी, हंगरी में सिग्नल गूगल प्ले स्टोर में भी टॉप फ्री ऐप बन गया है। एक वक्त तो आलम यह था कि ऐप डाउनलोडिंग में भारी भीड़ के चलते सिग्नल ऐप की OTP वेरिफिकेशन में देरी हो रही थी कि सिग्नल ऐप के पिछले 2 दिन में एंड्रॉयड और iOS डिवाइस में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। साथ ही 2021 से पहले हफ्ते में व्हाट्सएप के नए इंस्टॉलेशन में 11% तक की गिरावट आई है। व्हाट्सएप से क्या है अलग? सिग्नल ऐप यूजर्स को मैसेज भेजने, ऑडियो और वीडियो कॉल्स को करने, फोटोज, वीडियो और लिंक शेयर करने की सहूलियत देता है। ऐप का दावा है कि उसकी तरफ से काफी यूजर्स डेटा करने के बराबर इस्तेमाल किया जाता है और यूजर्स को असुरक्षित बैकअप को क्लाउड पर भी नहीं भेजता है और यह इनक्रिप्टेड डेटाबेस को अपने फोन में ही सिक्योर रखता है। साथ ही ऐप की सिक्योरिटी को अपने हिसाब से तय करने का विकल्प दिया गया है। अगर आप हमारे द्वारा ऐसी लेटेस्ट वीडियो और पाना चाहते हैं तो हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारी और लेटेस्ट वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।